अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीम न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। देखते हैं एक ख़ास रिपोर्ट। नशे की गोलियां बेचने वाले तीन अफराद को आसिफ नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये केस इल्लीगल बैंड मिथिलिन डाइऑक्सी मेथमफेटामाइन MDMA गोलियां, जिसको एक्सट्रेसी और मॉली पिल्स के नाम से भी जानी जाती है, ये केस 11/11/2021 को रजिस्टर हुआ, जो मेदीपट्टनम बस स्टॉप आसिफ नगर PS लिमिट्स वेस्ट जोन में है। इतला के मुताबिक 11/11/2021 को इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आसिफ नगर PS के कुछ लोग इलीगल और बैन की हुई साइकोट्रॉफिक ड्रग्स मेदीपट्टनम बस स्टॉप पे सेल कर रहे हैं। फौरन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पहुंच के दो लोग बेली अजय साई और अंकित को पकड़ लिया और उनके पास से 50 ड्रग्स की गोलियां सीज कर ली और उन्हीं के कुबुलने पर 60 और गोलियां धरावत साई चरण के पास से सीज कर ली, जिनकी कुल कीमत 3 लाख रुपए है। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। మొబైల్ కొంచెం ఎక్కడ మొబైల్ नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन आसिफ नगर पुलिस के तरफ से आज इल्लीगल सेल ऑफ बैंड MDMA, जिसे एक्सटेसी पिल या मॉली पिल के नाम से भी जाना जाता है, आज उस सिलसिले में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के तरफ से गिरफ्तारी हुई और इसमें दो लोग बेली अजय साई और अंकित, उनके पास से 50 MDMA पिल्स की रिकवरी हुई और बाद में उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट के मुताबिक धारावत साई चरण, उसके पास से भी 60 पिल्स की रिकवरी हुई। इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है और हर पिल पे रफली 1000 रुपीज़ का ये लोग प्रॉफिट उस पर कमा रहे थे। धारावत साई चरण नेटिव ऑफ हयात नगर हैदराबाद, BTech ग्रेजुएट है। दूसरा राचरला अंकित, ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री ग्रेजुएट अमीरपेट हैदराबाद का रहने वाला है। और बेली अजय साई, BTech फाइनल ईयर मैक्स सोसाइटी LIG रामचंद्रापुरम BHEL का रहने वाला है। इस ऑपरेशन में हमारे आसिफ नगर के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ACP शिव मारुति, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर वेंकटेश्वरलू, कांस्टेबल ऑफिसर बजरंग सुरेश, चंद्रशेखर राकेश और अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ एडिशनल DCP और जॉइंट CP साहब AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ये ऑपरेशन हुआ। दूसरा केस जिसमें कि सीजर ऑफ 14.2 kg स्यूडो एफिडरीन, जो कि एक कंट्रोल्ड आइटम है अंडर NDPS एक्ट, और एक फोटो फ्रेम में कंसील करके पार्सल के मार्फत से ये लोग ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी करते थे, जिसमें कि बेगमपेट में एक इंटरनेशनल कोरियर एजेंसी है उसके तहत ये पूरा काम होता था। और इसमें हमारे नॉर्थ जोन के DCP और उनका पार्टनरशिप विथ DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये लोग मिलकर टोटल 22 फोटो फ्रेम्स की बरामदी हुई है, जिसमें कि दो पार्सल जाने वाले थे 11 फोटो फ्रेम्स के, टोटल क्वांटिटी 14.2 kg। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक फ्रॉडुलेंट आधार कार्ड का भी यूज़ ये लोग करते थे, उसमें ब्लैक मार्केट इन चीज़ों का लगभग
₹40 लाख पर केजी, जिसके तहत 5.5 करोड़ का ये कंसाइनमेंट था। और DRI के इंफॉर्मेशन और नेटवर्क और सबके साथ लगभग ऐसा लगता है कि 300 केजी से ज़्यादा अभी तक ये लोग कंसाइनमेंट का प्लानिंग किए थे, जिसमें कि वेरियस लोकेशन विद इन इंडिया भी है, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलोर। इस पूरे ऑपरेशन में DRI के साथ हमारे DCP नॉर्थ जोन कलमेश्वर साहब का कोऑर्डिनेशन और उनके साथ ACP बेगमपेट नरेश रेड्डी, पी श्रीनिवास SHO, देवबरा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।